आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैडिंग स्टडी में आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं दशमलव के भाग के बारे में। जी हाँ, डेसिमल वाले जो भी यहाँ पर डिवीजन हम लोग सॉल्यूशन करते हैं उस पर मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूं इस वीडियो में कि किस तरीके से हम लोग काफी आसान तरीके से इसको हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने 5 क्वेश्चन लिए हैं जिसको मैं 1 by 1 करके यहाँ पर सॉल्यूशन यहाँ पर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लास्ट तक देखें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर हमेशा आप विजिट करते रहें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को मैं यहां पर नोट डाउन करता हूं। लिखा हुआ है 32.56 लिखा हुआ है और यहाँ पर डिवीजन यहाँ कितना है 10 है, ठीक है, 10 से यहाँ पर भाग देना है। तो इस तरीके से हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था ना आपको कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो भी यहाँ पर फ्रैक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हटा देंगे, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पर जो भी यहाँ पर डेसिमल यहाँ पर दिया हुआ है इसको हम लोग क्या करेंगे, हटाने का काम करेंगे। तो इसको हटाने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, ये देखना होता है कि यहाँ पर जो भी डेसिमल के बाद टोटल जो डिजिट है वो कितना है, 2 डिजिट है ना, इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसमें भाग लगाएंगे कितने से, ठीक है, गुना में 1 लिख दूंगा नीचे में और उसके बाद 2 डिजिट है तो 2 0 इस तरीके से दे देंगे। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 32.56 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर से जो दशमलव था यहाँ पर जो पॉइंट था वो हट जाएगा क्योंकि पॉइंट के बदले में हम लोगों ने यहाँ पर नीचे में 100 लिख दिया। अब 100 को जब 10 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब जब किसी भी संख्या में अगर 1000 से अगर भाग लगाते हैं तो क्या होता है, उसके जो लास्ट डिजिट से 3 डिजिट पहले यहाँ पर जो है वो एक दशमलव आके लग जाता है, यानी कि 32.56 में अगर हम लोग 1000 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 3.256, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से हम लोग भाग लगा सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है कि जो भी डेसिमल है उसको हटाने का काम करेंगे और उसके बाद हटाने के बाद जो भी नंबर आएगा उससे हम लोग भाग दे देंगे। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं। चलिए दूसरे क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है 0.08, ठीक है, डिवाइड बाय कितना है वो है 10, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर दशमलव के बाद टोटल जो डिजिट है वो कितना है, 2 है, 1 और 2। तो हम लोग क्या करेंगे, गुना में नीचे में 1 लिखेंगे, ठीक है। किसी भी संख्या को अगर 1 से भाग दो या फिर गुना करो उसमें किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो हमने नीचे में 1 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दशमलव के बाद कितना डिजिट है, 2 है, तो उसके बदले में 2 डिजिट दे देंगे, ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ से गायब, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 008, ठीक है। और नीचे में कितना है, 10 को 100 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो आप मुझे बताएं किसी भी संख्या के पहले अगर मैं 0 लिख दूं तो क्या उसका वैल्यू रहता है, कुछ नहीं रहता है। लेकिन अगर इसके बाद अगर 1 0 लिख दूंगा तो ये 80 हो जाएगा, 2 0 लिखूंगा तो 800 हो जाएगा, 3 लिखूंगा तो 8000 हो जाएगा। तो इसके पहले वाले 0 का यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर 1000 यहाँ पर है ना, तो 1000 में कितने 0 है, 3 0 है। तो हम लोगों को करना क्या होगा कि ऊपर का जो भी संख्या है ना उसके 3 डिजिट पहले यहाँ पर एक दशमलव को लगा देना होगा। तो आप बोलेंगे कि 3 डिजिट का यहाँ तो सिर्फ 1 ही डिजिट है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने मन से 1 0 दे देंगे, 1 2 हो गया, फिर 1 और 0 दे देंगे, ये हो गया 3 डिजिट। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक डेसिमल दे देंगे और डेसिमल को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके पहले 1 0 इस तरीके से लिख देते हैं और ये हो जाएगा हमारा आंसर 0.008। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। कितना यहाँ पर लिखा हुआ है, 38.9 लिखा हुआ है, 9 डिवाइडेड बाय कितना है, 1000 है, ठीक है, यहाँ पर 1000 है। तो हम लोग यहाँ पर फिर से वही चीज़ देखेंगे कि दशमलव के बाद यहाँ पर कितना डिजिट है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर गुना कर देंगे 1 से और उसके बाद 1 डिजिट है तो 1 0 यहाँ पर अपने मन से लगा देंगे, ये पॉइंट हो जाएगा गायब, यानी कि ये डेसिमल यहाँ से हट जाएगा। तो ये कितना है, 389 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, 1000 तो ऑलरेडी था, 1000 को 10 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10000 हो जाएगा, ठीक है। और किसी भी संख्या में अगर 10000 से गुना करेंगे तो उसके कितने अंक पहले यहाँ पर डेसिमल आएगा, कितना 0 है, 1 2 3 4 4 है ना, तो जो मेरा आंसर है वो कितना हो जाएगा, 0.0389, 1 2 3 4, 4 डिजिट पहले यहां पर एक यहां पर डेसिमल आ गया। इस तरीके से हम लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं काफी आसान तरीके से। चलिए चौथे क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये चौथा क्वेश्चन है 0.175, ठीक है, 0.175 डिवाइडेड बाय कितना यहाँ पर लिखा हुआ है, 25 लिख देता हूँ, 25, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को हटाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, किस अंक से गुना करना होगा, पॉइंट के बाद कितना यहाँ पर डिजिट है, 3 डिजिट है, तो 1 में 3 0 यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 175, ठीक है, नीचे में 25 है, 25 गुना 1000, इसको रहने देता हूँ, इसको मैं गुना नहीं करूंगा क्योंकि
दोगुना कर दूंगा तो फिर थोड़ा लेंदी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 25 से सबसे पहले भाग लगाएंगे। 25 का पारा में 175 कितने बार में आएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा ना, और 25 चौके 100 25 सते 7 बार में, ठीक है। 25 सते कितना हो जाएगा 175, और 7 में जब 1000 से जब भाग लगाएंगे तो इसके कितने डिजिट पहले, यहाँ पर दशमलव आएगा, 3 0 है ना इसमें, तो 3 डिजिट पहले आएगा 1 2, ठीक है, 1 2 3, 3 डिजिट हो गया, ये हो गया हमारा आंसर, 3 डिजिट पहले यहाँ पर पॉइंट आ गया 1000 से भाग देने पर। अब चलिए इसी प्रकार चौथे और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन को लिख लेता हूं मैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 18.08, ठीक है, भाग देना है कितने से, 400 से देना है, ठीक है, 400 से देना है, तो मैंने यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जो 18.08 है, 18.08 है तो दशमलव को हटाने का काम करेंगे, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 और 2, तो हम लोग गुना करेंगे, 1 से नीचे में 2 डिजिट है तो 2 0 यहाँ पर दे देंगे, उसके बाद इसका काम हो गया खत्म। समझ रहे हैं ना आप किस तरीके, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद ये हो जाएगा 1808, ठीक है, 1808 हो जाएगा। क्या हम 400 को 4 × 100 लिख सकते हैं इसके बदले, और इसको ऐसा ही लिख देंगे एज इट इज, इसको उतार देंगे। अब क्या करेंगे कि 4 से इसमें भाग लगाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 4 = 16, 18 में से 16 गया तो 2 बचा, 2 0 कितना हो जाएगा, 4 × 5 = 20, और उसके बाद 4 के पारा में 8 कितने बार में आता है, 4 × 2 = 8, 5 और 2 हो जाएगा, यानी कि 4 5 2, नीचे में कितना हो जाएगा, 100 को जब 100 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10000 हो जाएगा, ठीक है, 2 0 इसमें, 2 0 इसमें है, जो गुणा करने पर ये हो जाएगा 4 0। तो अब क्या करेंगे, 4 0 वाले से अगर भाग देते हैं हम लोग, 10000 से भाग देंगे तो कितना डिजिट पहले पॉइंट आएगा, इसमें 4 डिजिट पहले आएगा, तो यहाँ पर 1 2 3 3 यहाँ पर डिजिट है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 डिजिट को लिख लेंगे, 4 5, और ये हो गए 2। उसके बाद अपने मन से 1 0 दे देंगे, फिर पॉइंट दे देंगे, फिर पॉइंट को दिखाने के लिए 1 0 दे देंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर 0.0452। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, दशमलव के भाग को काफ़ी आसान तरीके से बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, और जो भी मैंने वीडियो में बताया आप लोगों को काफ़ी अच्छे से आपको समझ आई होगी। और अगर किसी भी प्रकार की क्यूरी है तो अभी भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, इससे रिलेटेड अगर आपको और भी अगर प्रैक्टिस अगर करनी है कि किस तरीके से हम लोग दशमलव के भाग को बना सकते हैं, तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए उसके लिए भी आप मुझे कमेंट जरूर से करें, वीडियो में कोई भी कमी हो तो आप मुझे जरूर से बताएं। तो चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैंने इस सीरीज में यहां पर डेसिमल वाले एडिशन भी बताया आपको, सब्ट्रैक्शन भी बताया, और यहां पर डेसिमल वाले आपको मल्टीप्लीकेशन भी बताया, और उसके बाद मैंने यहां पर डेसिमल वाले यहां पर भाग भी बताया। तो चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो।